अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, अल्लाह ब्लेस यू ऑल। इट्स ग्रेड 5 साइंस, यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शन, इट्स वीक 7, पेज नंबर 28, 29 एंड 30। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटीज आर द फीलिंग्स विच वी शो टूवर्ड्स आवर सराउंडिंग्स। मतलब कि वो एहसास जो हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को दिखाते हैं, फील करते हैं। सो मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर वही सेंसेस होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 5 सेंसेस: स्मेल, साइट, हेयर, टेस्ट एंड टच। बट सम इंसेक्ट हैव नॉट 5 सेंसेस, दे हैव सम स्पेशल सेंसर्स इन देयर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट हैव फीलर्स और एंटीना। I want to show here a cockroach. You can see thread-like structure. It is called feelers. And you can see in snake, you can see its tongue. Yeah? It's very thin. Right? And its tongue has chemical particles from the air and ground. A special organ in the head reacts to scents. It helps to snake टू ट्रेल इट्स प्रे। यानी कि इसकी ज़बान के अंदर जो है दो बारीक नुमा देखें शाखें निकली हुई हैं, ठीक है। इनके थ्रू जो है ये अपना शिकार करता है। लेकिन इसके हेड में बिल्कुल, ये देखें, इसके हेड के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो इसको खुशबू की जो है वो उसके बारे में बताता है, और उस खुशबू के थ्रू जो है ये अपने शिकार की तरफ जाता है और उसको ट्रैप करता है। Right, a zebra has a combination of senses of sight, hearing and smell. यानी कि जो ज़िब्रा होता है ये हेयरिंग की सेंस भी रखता है, स्मेल की भी और साइट की भी। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों सेंसेस को यूज़ करके ये बताता है कि लाइन या कोई और बड़ा जो शिकारी है वो इसकी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, इसी तरह स्पाइडर को देखें आप, इट्स की जो है वो हेयरी लेग्स होती हैं, ठीक है ना, और ये मूवमेंट इनके थ्रू करता है, और ये अपने शिकार को, स्मॉल इंसेक्ट को ट्रैप करके इन्हीं के ज़रिए अपने वेब तक लेकर जाता है। यस, नेक्स्ट पेज अब बैट देख सकते हैं। अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स, यानी कि इसके कान इतने तेज़ होते हैं कि इसको इको आती है, गूंज आवाज़ की आती है। तो अगर तो इसको आवाज़ की गूंज शुआओं की शक्ल में आ रही होती है तो ये साउंड वेव्स, यानी कि ना साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरों की शक्ल में इसको आ रही होती है, तो इसको पता चल जाता है कि मेरे रास्ते में कोई चीज़ है, तो फिर ये फ़ौरन अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसी तरह फिशेज़ है, ये देखें, फिशेज़ के पास 6 सेंस होती है बेटा। इसकी बॉडी के ऊपर देखें आप, एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं लैटरल लाइन, ठीक है। इसके ज़रिए ये वाइब्रेशन को फील करती है कि पानी में कौन सी वाइब्रेशन हो रही है। इस वाइब्रेशन से या तो इसको लगता है कि आगे कोई मेरा शिकार आ रहा है खाने के लिए, या फिर कोई मुझे ख़तरा फील हो रहा है। इसी तरह लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनके ऊपर भी सेंसर्स होते हैं कुछ के। फॉर एग्जांपल, मिमोसा प्लांट जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है। जब हम इसको टच करते हैं तो इसके लीव्स जो है फ़ौरन विदर, यानी कि क्लोज अप हो जाते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट। All living things need oxygen. Yes, अभी हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अच्छा जी, अब वो बताएगा कि ए पार्ट में कौन कौन से बॉडी पार्ट जो हैं, कौन कौन से एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये बॉडी पार्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी रिस्पायरेशन के लिए। तो नोज ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, गिल्स जो है ये फिश यूज़ करती है ऑक्सीजन के लिए, फेरेकल्स जो है ये इंसेक्ट यूज़ करते हैं, स्टोमेटा जो है ये प्लांट्स के ऊपर होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, मॉइस्ट बॉडी सरफेस जो होती है ये ऐसे तमाम जो स्मॉल इंसेक्ट्स एनिमल्स जो हैं ये पानी में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म है और फ्रॉग है, ये वो यूज़ करते हैं, वो अपनी मॉइस्ट बॉडी के ज़रिए ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये इंसेक्ट्स जो हैं और स्मॉल मैमल्स वो भी यूज़ करते हैं। राइट, अब आगे बी में देखें कि रिस्पायरेशन के लिए ये जो है एनिमल्स और इंसेक्ट्स बताए हुए हैं वो क्या यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा ट्राउट फिश है, ये गिल यूज़ करेगी। क्रिकेट जो है ये इंसेक्ट है, यस, ये क्या यूज़ करेगा, फेरेकल्स। रैट, ये भी एक मैमल भी है,
ठीक है, और ये स्मॉल एनिमल भी है, और ये जो है ये अपने नॉस्ट्रिल भी यूज़ करता है। फ्रॉग अगर तो पानी में होगा तो अपनी मॉइस्ट बॉडी के ज़रिए जो है वो यूज़ करेगा, ऑक्सीजन लेगा, लेकिन अगर ये बाहर है खुश्क जगह पर है तो ये नॉस्ट्रिल के ज़रिए ऑक्सीजन लेगा। टैडपोल्स ये भी अपनी मॉइस्ट बॉडी के ज़रिए, ऑक्ट्री जो है ये अपने स्टोमेटा के ज़रिए। ओके, डिस्कस एंड आंसर, आपने बताना है कि मज़ीद किन जानवरों को आप जानते हैं पेज नंबर 28 की एक्टिविटी के थ्रू, कि वो कौन कौन से सेंसर यूज़ करते हैं और कौन सा ऐसे है जिसको आप जानते हैं एनिमल को, और आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन कौन से सेंसर यूज़ करते हैं, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन गिव बर्थ टू समथिंग और टू इन्हेंस योर रीड, अपनी जो है नस्ल को आगे बढ़ाना और यंग वंस प्रोड्यूस करना। तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। काउस, गिराफ, कैट्स, एलिफेंट एंड मंकीज़, ये तमाम बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक बेबी को जन्म देते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो बहुत सारे बेबीज़ को जन्म देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज़ एट वन टाइम, यानी कि जो चूहिया होती है वो एक टाइम में 32 बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है। और आपको पता है कि ऑल एनिमल्स यंग वंस आर सेम लाइक देयर पेरेंट्स, यानी कि जो यंग वंस होते हैं, जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट एनिमल्स की तरह होते हैं। कम टू द पेज नंबर 30। अच्छा जी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो एग को है वो ले करते हैं, और आपने देखा होगा हैन को कि वो जब एग देती है तो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए वो हीट देती है बैठकर, और जिससे बेबीज जो है वो हैच होते हैं, यानी कि उस एग से बेबी बाहर निकल आते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, आपने जैसे देखा है, जैसे हम एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो उसके अंदर से सीड निकलता है, और सीड जो है एक न्यू यंग प्लांट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस तरह बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें मिलते हैं। ये जो सीड होते हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स खा लेते हैं कोई भी फ्रूट और उनके सीड थ्रो कर देते हैं, बर्ड्स जो है वो खाते हैं और उनके सीड थ्रो कर देते हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनकी लेग्स जो होती हैं वो हेरी होती हैं, यानी कि बालों की तरह की होती हैं, तो कुछ सीड इनकी टांगों को चिपक जाते हैं, और हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए भी बीज जो है वो बिखर जाते हैं। फिर जहाँ इंसेक्ट जाकर बैठता है वहीं पे वो उनके पोलन जो है वो छोटे छोटे बीजों के ज़रात छोड़ देता है, और इस तरह एक न्यू यंग प्लांट जो है वो बन जाता है। इसी तरह सम प्लांट्स जो हैं वो सीड्स की बजाय स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्ट्स लाइक स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है। ये स्पोर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए जो है वो ट्रेवल करते हैं, और जहाँ ये गिर जाते हैं वहाँ पर न्यू यंग प्लांट जो है वो ग्रो करता है। कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट के देखें, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं, मूवमेंट, ग्रोथ, फूड, रिस्पायरेशन, वेस्ट, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोडक्शन। ओके, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 3, इंशाल्लाह वी विल मीट इन चैप्टर नंबर 4 लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।